महासंघ के प्रमुख बबनराव ताइवाड़े ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ताइवाड़े ने कहा कि देश में कुत्ते बिल्लियों की जनगणना हो रही है पर ओबीसी की नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सच में ओबीसी को पूरा 27% आरक्षण देना है तो इसके लिए केंद्र को अपनी भूमिका निभानी होगी और सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण वाले फैसले को बदलना होगा, जिसके सिवाय राज्य भी ओबीसी को पूरा 27% आरक्षण नहीं दे सकता। ताइवाड़े ने कहा कि हम केंद्र से ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ राज्य में चुनाव की घोषणा हो चुकी है पर ओबीसी आरक्षण का कुछ अता पता नहीं। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी महासंघ के प्रमुख बबनराव ताइवाड़े का गुस्सा फूट पड़ा। नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि कुत्ते बिल्ली की गणना हो रही है पर ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी आरक्षण पर बहुत अभ्यास किया है, ओबीसी को संपूर्ण 27% आरक्षण केंद्र सरकार ही दे सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा वाली बात कही है जिसको केंद्र ही बदल सकता है, जिसके सिवाय राज्य भी ओबीसी को पूरा 27% आरक्षण नहीं दे सकता। ताइवाड़े ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। ताइवाड़े ने कहा कि हम केंद्र से ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। निर्णयाचा पूर्ण अभ्यास केल्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे या राज्याचं जे राज्य मागासवर्गीय आयोग आहे त्यालाच डेडिकेटेड कमिशन म्हणून महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलं आणि या कमिशनकडेच इम्पेरिकल डाटा गोळा करून ओबीसींना किती आरक्षण द्यायचं त्या सूचना करण्याचं काम दिलं होतं। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून मागील अनेक वर्षापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जे अधिकार आहेत संवैधानिक अधिकार आहेत त्याचं संरक्षण करण्याचं काम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ करत आहे आणि म्हणून सातत्याने आम्ही संविधानाने जे आम्हाला 27% आरक्षण दिलेलं आहे ते ओबीसींचं 27% आरक्षण अबाधित कसा राहील याचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मागील अनेक वर्षापासून प्रयत्न करत आहे। क्या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा और क्या ओबीसी समाज को उनका हक मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।